वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं जिस शुरू में होप यू गाइस डूइंग एवरीथिंग फाइन। तो दोस्तों फिलहाल मैं आपको अपडेट दे देता हूँ, आखिरी अपडेट मुजफ्फरनगर से टपरी के बीच की। अगर सबसे पहले बात करता हूँ प्लेटफॉर्म की कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या प्लेटफॉर्म बनने पर प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो बनने हैं बामन हेडी रोहाना पर, इनकर प्लेटफॉर्म बनकर तैयार होने वाले हैं। ऑलमोस्ट काम अगर बात करूँ तो 70% हो चुका है। देवन पर भी एक प्लेटफॉर्म बनेगा क्योंकि जो डबल ट्रैक की लाइन जो डाउन लाइन बनी बन रही है वो जानिए देवन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। और क्योंकि थर्ड लाइन भी बनी क्योंकि एक लूप लाइन चाहिए होती है तो उसके बराबर में जो फोर्थ लाइन है उसी को एक प्लेटफॉर्म अच्छी तरह से बनाया जाएगा, उससे कनेक्ट की जाएगी। और अगर आगे बात करूँ प्लेटफॉर्म्स की तो आता है रेलवे स्टेशन आता है तलहरी बुजुर्ग, उस पर भी दोनों साइड में प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। नागल की अगर बात करूँ तो नागल के सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म बन रहा है, दूसरे प्लेटफॉर्म का हमें कोई नज़र नहीं आ रहा है। टपरी स्टेशन पर ऑलरेडी प्लेटफॉर्म बन चुके हैं, एक नंबर और दो नंबर प्लेटफॉर्म ऑलरेडी हैं, लूप लाइन्स हैं, तो वहाँ पर ऐसे प्लेटफॉर्म की कोई ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पर क्योंकि EDFC जाए तो काम ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। और अगर बात करूँ ट्रैक्स की तो ट्रैक ऑलमोस्ट मुजफ्फरनगर से देवबन, देखिए दो फेज में काम हो रहा है, पहला फेज देवबन तक, दूसरा फेज हो रहा है टपरी तक। तो जो देवबन का फेज है वो मार्च 2020 के लास्ट तक पूरा हो जाएगा, ऐसी मुझे पक्की उम्मीद है। उसकी अपडेट भी मैं आपको जल्दी दूंगा इसके बारे में, क्योंकि ट्रैक्स ऑलमोस्ट बिछाए जा चुके हैं और जो पोल्स होते हैं इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं वो बिछाए जा चुके हैं, सिर्फ वायर्स बाकी हैं। और जब तक ये प्लेटफॉर्म कनेक्ट होगा फिर जो पता देगा जो कैपेज है वो लिया जाएगा प्लेटफॉर्म्स को लूप लाइन से कनेक्ट करने और लूप लाइन को मेन लाइन से कनेक्ट करने के लिए। इसके लिए 15 दिन का ऑलमोस्ट, क्योंकि ट्रेनों का प्रभाव पड़ता है तो वो ब्लॉक लिया ही जाएगा, डेफिनेटली सी बात है। उसके बाद जो काम तेजी से बढ़ रहा होगा वो होगा टपरी के बीच का, जहाँ पर भी बेसिकली जो अगर बात करूँ तो जो बेस होता है वो तो भी जीता चुका है। ट्रैक्स पे जो पत्थर्स होते हैं वो भी डल चुके हैं, बस सिर्फ ट्रैक लेंगे होना बाकी है। कहीं कहीं पर ट्रैक्स बिछाए भी जा चुके हैं जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट जो होगी वीडियो की वो मैं जल्दी आपके पास लेकर आऊँगा, बट फिलहाल जो मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे अपडेट मिला वो यही है कि जल्दी ये काम डबल ट्रैक का पूरा हो जाएगा। आपको क्या लगता है आप बताइए जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में, अपना शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ ऐसी वीडियो की। सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ ऐसे वीडियोस के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स एंड स्टे ट्यून्ड।